हे एवरीवन, मैं हूँ ज्योति जसनदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और आज का वीडियो होने वाला है 2020 के बेस्ट हेयर केयर प्रोडक्ट्स, बेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि मेरे लिए बेस्ट रहे हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो अगर मेरे लिए अच्छे हैं तो किसी और के लिए आपके लिए भी अच्छे हो, एंड इट इज टोटली फाइन। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने शेयर किया था 2020 के बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, जरूर देखेगा वो वीडियो। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस हैं उसमें। और इस वीडियो में भी प्रोडक्ट को चूज करने का वही क्राइटेरिया है जो स्किन केयर वाले वीडियो में था, कि इन प्रोडक्ट्स को मैंने 2020 में ही यूज करना स्टार्ट किया हो, और दूसरा कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, लाइक कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे ही, फिर कुछ होते हैं अच्छे और कुछ होते हैं बहुत अच्छे। तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया जो कि बहुत अच्छे हैं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है, कहीं पे भी यूजफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट जरूर करेगा कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा या क्या नहीं भी अच्छा लगा, या आपके कौन से फेवरेट हेयर केयर प्रोडक्ट्स रहे 2020 में, कमेंट जरूर करेगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, रेगुलरली मेरे वीडियोज देखते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इन सब लाइकिंग, कमेंटिंग, सब्सक्राइबिंग, इन सारी चीजों से हम सबको लाइक चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो अगर आप वीडियोस रेगुलरली देखते हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कॉमेंट जरूर करेगा, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी आईडी मैं आपके स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आपकी कोई भी स्किन केयर हेयर केयर ब्यूटी रिलेटेड क्वेरी है तो वो आप मुझे वहां पे डीएम कर सकते हो, मेरे पिक्चर्स के नीचे कमेंट छोड़ सकते हो। अगर उनका जवाब मैं कमेंट सेक्शन में नहीं दे पाती हूं, मेरे वीडियोस मैंने ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है, तो मैं वहां पे आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हेयर ऑयल से, और हेयर ऑयल में मेरे पास दो हेयर ऑयल्स हैं आप सबको शो करने के लिए। सबसे पहला ये जूसी केमिस्ट्री का चिली हॉस्टेल एंड ब्लैक सीड हेयर ऑयल। इस हेयर ऑयल का पूरा डिटेल्ड रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेगा, उसमें मैंने रिव्यू वीडियो का लिंक दिया हुआ है। यहाँ मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगी। ये 30 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी। इसमें चिली है, हॉस्टेल है एंड ब्लैक सीड है। ये 100% नेचुरल हेयर ऑयल है। जूसी केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो बता दूं कि ये एक इंडियन होम ग्रोन ऑर्गेनिक ब्रांड है। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, 100% नेचुरल होते हैं। एंड अगर एक हेयर ऑयल अगर आपको लाइक हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, इन सब के लिए चाहिए, तो मैं ये हेयर ऑयल आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी। आपको लग रहा होगा ना कि इतनी छोटी सी है यार, ये तो 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपको इसको हेयर ऑयल की तरह यूज नहीं करना है, आप समझिए कि आपको इसको एक हेयर सीरम की तरह यूज करना है। मतलब आप इसकी लाइक 3 से 4 पंप लेके आपके सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प में मसाज करिए, उससे आपको लाइक आपके लेंथ में अप्लाई नहीं करना है। तो इसको आप एक हेयर सीरम समझिए। आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ इसको भी आपके स्कैल्प में मसाज कर सकते हो, दैट्स इट। किसी अदर जो आप ऑयल यूज करते हो उसके साथ भी इसके 3 से 4 पंप मिक्स करके आपके स्कैल्प में मसाज कर सकते हो, या फिर इसकी सिर्फ 3 से 4 पंप्स आपके स्कैल्प में मसाज करें और जो आप रेगुलर बेसिस पे ऑयल यूज करते हो उसको आप आपकी लेंथ में यूज करें। एंड रेगुलर यूज करोगे प्लीज यूज इट एटलीस्ट फॉर लाइक 3-4 वीक्स कुछ डिफरेंस देखने के लिए। बट आई एम वेरी श्योर कि बहुत ही इफेक्टिव हेयर ऑयल है ये, एंड मतलब इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये क्रुएलिटी फ्री है, हैंडमेड है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो मतलब हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए मैं ये डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगी। और नेक्स्ट हेयर ऑयल है शेषा ब्यूटी का ये नीली भृंगादी हेयर ऑयल। ये जो हेयर ऑयल है ये आता है कुछ 550 रुपीज का, जिसमें आपको 110 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है, और ये भी 100% नेचुरल है। और शेषा ब्यूटी भी एक इंडियन होम ग्रोन ब्रांड है, आई थिंक इट्स अ ब्रांड फ्रॉम केरला। और ये ऑयल ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अभी ये जमा हुआ है विंटर सीजन की वजह से, तो ये ऑयल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और इसका मैंने अभी तक फुल डिटेल रिव्यू नहीं किया हुआ था, बट मैं कहूंगी कि अमेजिंग हेयर ऑयल है ये। अगर हेयर ग्रोथ चाहिए, हेयर फॉल कंट्रोल चाहिए, तो ये हेयर ऑयल भी बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है। इसमें 3-4 ऑयल्स का मिक्स है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा लाइक इसका जो इंग्रेडिएंट है सब कुछ आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। इसका जो बेस है वो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, और अदर ऑयल भी इसमें मिक्स किए गए हैं, बट बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है। अगर आप लाइक मैं वैसे तो दोनों रेकमेंड करूंगी, बट ये आपको अगर महंगा लग रहा है तो आप ये वाला हेयर ऑयल जरूर ट्राई करके देखिए। मैंने लाइक ऑलमोस्ट पूरी बॉटल खत्म कर दी है, और हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, इवन फ्रिज वगैरह को भी
बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में पूरी स्कैल्प और हेयर को कवर कर लेता है। शैम्पू करने पे आराम से निकल जाता है, बहुत ज्यादा चिप चिप झिकझिक वाले टेंशन नहीं है, बट हेयर के टेक्सचर को भी बहुत अच्छा करता है। ओवरऑल आपके हेयर हेल्दी होंगे, तो डेफिनेटली गिव दिस ऑयल अ ट्राई। नेक्स्ट बात करूंगी मैं शैम्पूज की, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस साल मैंने काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट शैम्पूज ट्राई किए, बट बहुत सारे शैम्पूज मुझे कुछ बहुत अच्छे नहीं लगे। एक ही दो शैम्पूज है मेरी लिस्ट में। सबसे पहला जो शैम्पू है वो है मामा अर्थ का आंगन शैम्पू, और उसके 3 बॉटल्स मैंने इस साल यूज करी है। यू कैन इमेजिन, लाइक मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू करती हूँ जिसके लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जल्दी जल्दी चेंज करने पड़ते हैं, एक शैम्पू के 3 बॉटल्स यूज करना बड़ी बात है। तो मामा अर्थ का आर्गन शैम्पू मुझे बहुत अच्छे से सूट करा है। मेरी जो स्कैल्प टाइप है वो ऑयली, और जो मेरी हेयर लेंथ है वो लाइक आप नॉर्मल कह सकते हो, बहुत ज्यादा फ्रिजी नहीं है। वेदर कंडीशंस एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, मॉनसून में थोड़ा ज्यादा ही फ्रिजी हो जाते हैं, विंटर में भी थोड़ा ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, बट इन जनरल नॉर्मल ही है मेरी हेयर लेंथ, और मुझे मेरे बालों के टेक्सचर को बहुत ही अच्छा करता है ये शैम्पू। ड्राइनेस एंड फ्रिजीनेस को बहुत अच्छे से कॉम्बैट करता है, बहुत अच्छे से कम करता है, बिल्कुल भी ड्राई एंड फ्रिजी नहीं लगते हैं। आप में से लोग, बहुत सारे लोगों के मेरे मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आते हैं कि मामा अर्थ का हम कौन सा शैम्पू यूज करें, मेरे जो हेयर है वो ड्राई है फ्रिजी है। तो आर्गन शैम्पू, इवन जो इनकी पूरी आर्गन रेंज है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अभी है नहीं, शैम्पू कंडीशनर दोनों ही खत्म हो गया है, एंड अब मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं कुछ टाइम के लिए उसको ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, डिफरेंट ब्रांड का शैम्पू ट्राई करूंगी। अभी मैंने मॉम्स को का शैम्पू ऑर्डर करा हुआ है, इवन मैंने कम्युनिटी सेक्शन पे पोल भी किया था जिसमें मैंने 2 ऑप्शंस दिए थे, मॉम्स को और हर्बल सेंसेस, किसका रिव्यू आप पहले देखना चाहते हो। दोनों का ऑर्डर तो मैंने पहले ही प्लेस कर दिया था, बट मुझे ये जानना था कि आप किस में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, और मॉम्स को के शैम्पू को ज्यादा वोट्स मिले थे। तो अगर आपके बाल ड्राई है, फ्रिजी है, हेल्दी है, टेक्सचर चाहिए, तो मामा अर्थ का आर्गन शैम्पू मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है ये क्लिनिक प्लस का लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग शैम्पू। आई नो कि लाइक इसमें ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो लोगों को नहीं पसंद आएंगे, सल्फेट एंड ऑल, बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आफ्टर लाइक पोस्ट हेयर वॉश रिजल्ट्स की बात करूँ, बहुत ही अच्छा टेक्सचर करता है बालों का, ये भी बालों को बिल्कुल भी ड्राई एंड फ्रिजी नहीं करता। इवन मेरे जो स्कैल्प ऑयल है, मैंने आज शैम्पू किया तो कल मेरे बाल जो है वो स्कैल्प ऑयली हो जाती है, तो ये 2 दिन तक आराम से मेरे स्कैल्प से ऑयल को भी कंट्रोल करके रखता है, ऑयली नहीं करता मेरे स्कैल्प को, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक इंग्रेडिएंट्स पे अगर ना जाऊं, सिर्फ रिजल्ट्स की बात करूं, तो अच्छा, सिंपल, सस्ता, टिकाऊ वाला शैम्पू है, जो कि रिजल्ट्स के मामले में मुझे काफी अच्छा लगा। अब आते हैं हेयर मास्क पे, और जैसा मैंने आपको बताया कि मामा अर्थ की पूरी आर्गन रेंज ही जो हेयर केयर रेंज है मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा जो इस साल मैंने बहुत ज्यादा यूज किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है वो ये मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क। इसमें आर्गन के साथ साथ एवोकाडो ऑयल और मिल्क प्रोटीन है, और ये 200 ग्राम की टब है जिसका प्राइस है 599 रुपीज, एंड लंबे टाइम तक चलता है। मैं हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार ट्राई करती हूँ हेयर मास्क लगाने का, एंड मोस्टली इस बार मैंने इसको लाइक बहुत ज्यादा लगाया है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी फ्रिज फ्री हेयर के लिए है, ड्राइनेस को कम करने के लिए है, तो अगेन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हेयर मास्क फॉर फ्रिजीनेस, ड्राइनेस, तो आप ये हेयर मास्क ट्राई कर सकते हैं। लास्टली मैं बात करना चाहूंगी हेयर सीरम के बारे में, और जो हेयर सीरम मुझे बहुत अच्छा लगा रिजल्ट्स के मामले में वो है लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम। ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम नॉट अ हेयर सीरम पर्सन, जो मेरे पुराने रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं हेयर सीरम रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करती, क्योंकि मुझे जरूरत महसूस नहीं होती, मैं ये ट्रीटमेंट नहीं करती मेरे बालों में, लाइक बालों को स्ट्रेट करना, कर्ल करना, ये सब मैं नहीं करती हूँ। अब ठंड आ रही है तो मैं हेयर ड्रायर का यूज करूंगी, वो भी जिन दिनों में धूप नहीं निकलेगी ना, उन दिनों में ही मैं सिर्फ हेयर ड्रायर का यूज करूंगी। ठंड में धूप में बैठ के मैं बाल सुखा लेती हूँ, बट एंड बहुत सारे मैंने हेयर सीरम ट्राई किए जो रिजल्ट्स के मामले में भी मुझे नहीं अच्छे लगे, सिर्फ रिव्यू पर्पस के लिए मैंने उनको ट्राई किया, बट मुझे रिजल्ट्स के मामले में वो नहीं अच्छे लगे, बट ये जो लॉरियल का हेयर सीरम है ये रिजल्ट्स के मामले में मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और कई तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं, वेट हेयर पे, ड्राई हेयर पे, कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। अगर आप हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो उसके पहले भी यूज कर सकते हो, वेट हेयर पे भी यूज कर सकते हो ड्राइनेस एंड फ्रिजीनेस को कम करने के लिए, बालों को स्मूथ बनाने के लिए, ड्राई हेयर पे भी यूज कर सकते हो अगर आपको हेयर स्टाइल कर रहे हो एंड बेबी हेयर निकले हुए हैं वो सब आपको टेम करना है, फ्रिज टेम करना है, तो उसको यूज कर सकते हो। एंड इसकी बहुत कम क्वांटिटी लगती है, मेरे लाइक इतनी हेयर लेंथ है फिर भी मुझे लाइक 2 ज्यादा से ज्यादा 3 पंप, उससे ज्यादा मुझे इस सीरम की नहीं लगती है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा, एंड कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तो मैं इसको यूज जरूर करता है।
सो यार ये थे बेस्ट हेयर केयर प्रोडक्ट्स आई हैव यूज्ड इन 2020। आपको कौन कौन से हेयर केयर प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, या फिर नेक्स्ट कौन से हेयर केयर प्रोडक्ट का आप रिव्यू देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगेन अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, उनके साथ जरूर शेयर करेगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और चैनल पे नए हैं, ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाया है सबकी सारी डिटेल, रिव्यू वीडियो के लिंक, प्राइसेस, परचेज लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अगर मैं कुछ भी वीडियो में मेंशन करना भूल गई हूँ तो डू नॉट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी डिटेल्स है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।